बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज के लेक्चर का जो मौजू है वो है जदीदियत की तहरीक। इससे पहले हमने पढ़ा था तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक में हमने पढ़ा कि किस तरह तरक्की पसंद तहरीक की अंजुमन बनाई गई, लोग उसमें किस तरह जुड़ते गए। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक में ये हुआ, अदब अदब नहीं रहा, अदब क्या नारेबाजी बन गया, अदब में क्या प्रोपेगेंडा शामिल हो गया। तो इस तरह बहुत से लोगों को एतराज़ हुआ कि अदब इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदब में क्या है, जो शेर व अदब की जो खूबसूरती थी उसको नज़रअंदाज की गई और अदब को क्या है, बिल्कुल नारेबाजी बना दिया गया। तो ये बात बहुत से शायर को पसंद नहीं आई, बहुत से अदीब को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने फिर क्या, जदीदियत की तहरीक का आगाज़ किया कि अदब को अदब की तरह लिखा जाए, अदब को अदब की तरह इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरह जदीदियत की तहरीक, जिसकी दागबेल 20वीं सदी के तीसरी दिहाई में पड़ चुकी थी। आइए अब शुरू करती हूँ जदीदियत की तहरीक। जिंदगी का कारवा हरदम आगे बढ़ता रहता है और इसके नज़र के सामने नए उफक नमूदार होते रहते हैं, जिनकी आबोताब इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। ज़िंदगी में हर कुछ नया नया होता रहता है, जिसके आबोताब क्या है, हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। कोई पीछे की तरफ मुड़कर देखे तो दूर घुप अंधेरा नज़र आता। पीछे छूटी हुई मंजिलें कैसी ही क्यों ना हो, इंसान को होती बहुत अजीज़ हैं। अब लामहाला एक ही सूरत रह जाती है, माजी की थोड़ी बहुत दिलपसंद मुताह को सीने से लगाकर और नए उफक से थोड़ा सा उजाला मांगकर इसकी रोशनी में नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया जाए। क्योंकि अब हम पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो बिल्कुल अंधेरा घुप होता है, लेकिन जो हमारी माजी की बातें होती हैं, जो हमारी माजी की यादें होती हैं, वो हमें बहुत अजीज़ होती हैं। और आने वाली जो नई ज़िंदगी है, नए लोग हैं, नया चेहरा है, नया नया सब कुछ है, उसे भी हमें अपनाना है। तो इसलिए ऐसा करें कि कुछ छूटी हुई बात जो हमें बहुत पसंद है उसको सीने के लगाकर और आने वाले जो नए उफक हैं उनसे थोड़ा सा उजाला मांगकर इसकी रोशनी में नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया जाए। इसी का नाम जदीदियत है। गोया अदब में जदीदियत का मफहूम ये हुआ कि शायरो अदीब रवायत से कुछ पसंदीदा अनासिर चुन ले और इन्हें हाल के तकाजों से हम आहंग करने की कोशिश करें, हम आहंग यानी मिलाने की कोशिश करें। रिवायत को जो हिस्सा वक्त के नए सांचे में ना ढल सके, उसे मोड़ने या फिर तोड़ने की सलाहियत जिस फनकार में हो, वही सच्चा फनकार कहलाने का मुस्तहिक है। हमारे शेर व अदब ने इनकलाब रूस और इसके बाद की आलमगीर अदबी फिजा से मुतासिर होकर फसूदा व पामार मुजामीन को खैरबाद कहा, नए मौजूआत को अपनाया और इसे तरक्की पसंदी का नाम दिया। तो दर हकीकत ये भी जदीदियत थी। अब जब इनकलाब रूस हुआ, आपने तरक्की पसंद तहरीक में इनकलाब रूस के बारे में पढ़ा होगा, तो इसकी अदबी फिजा से क्या मुतासिर होकर यह पुराने जो मुजामीन थे उसको खैराबाद कहा और नए मौजूआत को अपनाया, नए मौजू को अपनाया और इसका नाम क्या, तरक्की पसंदी का नाम दिया, तरक्की पसंद तहरीक का नाम दिया। तो दर हकीकत ये भी क्या है, जदीदियत की तहरीक थी, ये भी क्या है, जदीदियत की शुरुआत थी। और जब तरक्की पसंदी के महदूद दायरे से निकलकर इसने खुली फिजा में सांस लेना चाहा तो ये भी जदीदियत कहलाई। दरअसल सच्चा शायर व अदीब लकीर का फ़कीर नहीं होता, वो एक आज़ाद पंछी है जो हर लहजा नए जहानों की सैर का आरजूमंद रहता है। जिस तरह एक आज़ाद पंछी पूरी आसमान में उड़ना चाहता है, कहीं रुकना नहीं चाहता, उसी तरह क्या सच्चा जो शायर है, अदीब है, वो एक जगह रुकना नहीं चाहता है, वो नए नए तजुर्बे करना चाहता है, नई नई चीज़ें लिखना चाहता है, आने वाले में नए वक्तों में नई तरह की ईजाद करना चाहता है। नामुनासिब बंदिशों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजनू गोरखपुरी के अल्फाज में जब इश्तराकियों ने अदीबों को लाल वर्दी पहना देनी चाही तो उन्होंने तरक्की पसंदी के जोए को ही अपने कंधों से उतार फेंका। इसी तरह हमारे अदब में जदीदियत की तहरीक ने जन्म लिया। इसमें शक नहीं कि जदीदियत ने हमारे अदब में एक तहरीक की शक्ल 20वीं सदी की एक चौथाई गुजरने के बाद इख्तियार की, लेकिन इसकी दागबेल बहुत पहले इसी वक्त पड़ गई थी जब सर सैद ने मगरबी अदब को मशल राह बनाने का मशवरा दिया था। सर सैद के अदबी अफकार को मौलाना हाली ने अपनाया और तहरीरों के ज़रिए इन्हें आम करने की कोशिश की।
इसके बाद हमारे अदबी उफक पर इकबाल नमूदार होते हैं। रिवायत से रिश्ता इस्तवार रखने के बावजूद उन्होंने मगरिब के ताज़ा तरीन मगर मुंतखब अफकार को जुज़ो ज़हन बनाया और आज़ादी फ़िक्र व नज़र की वो मिसाल पेश की जो जदीदियत का खासा है। जदीदियत का बाकायदा आगाज़ दरअसल 20वीं सदी की तीसरी दहाई में उस वक्त हुआ जब अजमतुल्ला नियाज़ येलदरम और इनके बाद मीरा जी राशिद तसद्दुक हुसैन खालिद जैसे अदीबों ने अदब के बदले हुए तेवर मुनफरिद लहजे और एक नए ज़हनी रवैये से उर्दू कारीन को रोशनास कराया। जदीदियत का बाकायदा आगाज़ तब हुआ जब नून मीम राशिद तसद्दुक हुसैन अजमतुल्ला ने अपने जो बदले हुए तेवर से उसमें उन्होंने कहानी लिखी, अफसाने लिखे और उर्दू कारीन को रोशनास कराया और उसी में अंगारे की अशियात ने इस रुझान को और तकवियत पहुँचाई। इसमें शामिल अफसाने हिंदुस्तानी समाज के अज़ियतनाक पहलुओं पर वार करते नज़र आते हैं, मगर ये कोई ऐसा कदम ना था जिससे मुल्क में इनकलाब आ जाता। फिर भी हुकूमत वक्त ने उसे जब्त कर लिया और इशात पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी और अंग्रेज़ की हुकूमत को लगा कि इससे क्या मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, इसलिए उन्होंने अंगारे जो किताब इशात हुई थी उस पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि उस वक्त जो हिंदुस्तानी समाज में जो अज़ियतनाक पहलू थे, उस वक्त जो लोगों पर जुल्म किए जा रहे थे, उसी सब मौजू को लेकर अंगारे में अफसाने शाये हुए थे। ये वो ज़माना था जब तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पर थी। इस तहरीक के परचम तले जो शायर व अदीब जमा थे, इनका मिजाज बेलचक और जहन शिद्दत पसंद हो गया था। इश्तराकियत का प्रचार ही इनके नज़दीक सब कुछ था। सुर्ख सवेरे पर इनकी नज़रें मरकूज थीं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन काबिल एतराज़ बात यह थी कि अदब नाराबाजी बन गया था और शेर व अदब की जमालियाती कदरें नज़रअंदाज हो गई थीं। इसी सूरत हाल के खिलाफ शायरों और अदीबों का रद्द अमल बिल्कुल फितरी बात थी। चुनांचा जदीदियत की तहरीक जिसकी दागबेल 20वीं सदी की तीसरी दहाई में पड़ चुकी थी, अब नए सिरे से मुनज़्ज़िम हुई। तरक्की पसंद तहरीक का जवाल जदीदियत की तहरीक के फ़रोग़ का बास हुआ। दरअसल तरक्की पसंद अदब ने अंदाज उसलूब बयान को नज़रअंदाज करके मौजू व मवाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। अब उन्होंने क्या अंदाज उसलूब जो बयान को नज़रअंदाज कर दिया, जो अदब की अदबी बात थी उनको नज़रअंदाज किया और अदब को क्या नाराबाजी बना दिया। इसके अलावा फ़र्द और समाज के रिश्ते पर इतना ज़ोर दिया कि फ़र्द पस पुश्त जा पड़ा। वो ज़माना जब तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत के दरमियान टकराव हुआ, मुल्क में सियासी उथल पुथल का ज़माना था। तरक्की पसंद तहरीक ने अपनी तवज्जो सियासी मंजरनामे पर मरकूज कर दी, जबकि जदीदियत ने इसे नज़रअंदाज किया और फ़र्द अपनी ज़ात के खोल में सिमट कर रह गया। कनूतियत, एहसास महरूमी, एहसास तन्हाई, समाज से बेताल्लुक हो जाने और अपनी ज़ात में खो जाने का लाजमी नतीजा है। इंसान को जब ये एहसास हो जाता है कि कोई इसका मुअन्नस व गमगुसार नहीं, कोई इसके दुख दर्द में शरीक नहीं, कोई इसे तसल्ली देने वाला नहीं, तो वो मायूसी का शिकार हो जाता है। जदीदियत की तहरीक से वाबस्ता फ़नकारों के साथ भी यही सूरत पेश आई। इस वक्त हिंदुस्तान ही की क्या सारी दुनिया में हालात तो मायूस कुन थे ही, लेकिन जदीदियत के मुबल्लिगों ने इसे और हवा दी। उन्होंने फ़नकार को तरगीब दिलाई कि दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम्हें किसी की फ़िक्र क्यों हो, तुम्हारा कलम समाज का ग़ुलाम क्यों हो, तुम्हें लिखना है तो अपने लिए लिखो, कारी की पसंद नापसंद से बेनियाज हो जाओ, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता या नहीं समझता तो तुम्हें इसका गम क्यों हो। इस तरह समाज से अदब का रिश्ता मुनक़ता हो गया। जब समाज के लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारी बात नहीं समझते, तुम्हें अकेला छोड़ दिया है तो तुम क्यों समाज की बात सुनो, और इस तरह क्या है समाज से अदब का रिश्ता मुनक़ता हो गया, अलग हो गया। इनफरादियत पर जदीदियत ने बहुत ज़ोर दिया। फ़र्द की आज़ादी इसके नज़दीक बेहद अहम थी। ये एक तरह का रद्द अमल था, क्योंकि आज़ादी की जद्दोजहद मगरबी साम्राज्य के मजालिम और इनसे निजात की कोशिश, सरमायादारी की लानतें,
सोशलिज्म की बरकतें और दूसरे आलमी मसाइल पर तरक्की पसंद तहरीक ने अपनी नज़रें जमाए रखी। इसके बरक्स जदीदियत ने इनको अहमियत नहीं दी। फनकार ने बाहर की दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया और अपने दिल की दुनिया में खोके रह गया। गर्ज ये कि जदीदियत की तहरीक ने फ़र्द को, इसके ज़हनी कैफियत को, इसके शऊर और लाशऊर को अहमियत दी। अहमियत देना तो दुरुस्त था, शिकायत सिर्फ ये है कि हद से ज़्यादा अहमियत दी और इज्तमाईत को इनफरादियत पर यकसर क़ुरबान कर दिया। अब उस वक्त के अदीब और शायर ने सोचा कि जब समाज को तुम्हारी फ़िक्र नहीं तो तुम समाज की फ़िक्र क्यों करो, और उसने क्या किया, फ़नकार ने, अदीब ने, शायर ने समाज से अपना रिश्ता तोड़ लिया और अपनी दिल की दुनिया में खो कर रह गए। अपने हिसाब से लिखने लगे, अपने लिए ही लिखने लगे, अपने पर इतना जोर दिया कि समाज से रिश्ता तोड़ दिया। और ये बात क्या है, ये बात सही नहीं थी। ठीक है, अपने ऊपर जोर देना तो अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा किसी चीज़ पर जोर देना या किसी चीज़ को अहमियत देना दुरुस्त नहीं था। और इस तरह ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ फ़र्द की इनफरादियत पर ही जोर दिया, इज्तमाईत को छोड़ दिया। अदब में इबलाग का मसला जदीदियत के फ़रोग के साथ ही उठ खड़ा हुआ। तरक्की पसंद तहरीक अदब को एक इज्तमाई और समाजी अमल ठहराती थी। ये जिम्मेदारी शायर व अदीब की थी कि वो जो कुछ लिखे अवाम के लिए लिखे, गोया इसकी तख्लीक अवाम के लिए काबिल फहम हो। जब जदीदियत की तहरीक के ज़ेर असर शायर व अदीब अपनी ज़ात के हिसार में क़ैद होकर रह गया तो इसने क़ारी व सामे से अपना रिश्ता तोड़ लिया। इसने कहा कि वो किसी और के लिए नहीं लिखता, अपनी ज़ात के लिए लिखता है, इसलिए इसे क़ारी से क्या गर्ज, और इसे क्या फ़िक्र कि जो कुछ इसने कहा है कोई उसे समझता है या नहीं। नतीजा ये हुआ कि जदीद शायरी और जदीद अफसाना चिश्ता बन के रह गए। वो फ़नकार जिनको ज़बान व बयान पर कुदरत नहीं थी, इनकी बनाई वो अगर बेसोचे समझे लफ्ज़ों को जोड़ दें तो रिसाले ये समझ कर इनकी तख्लीकात को अपने सिफात में जगह देते थे कि ये जदीद फ़नकार हैं। इनकी तख्लीकात में यकीनन कुछ न कुछ माने मुजम्मिर होंगे। बहरहाल ये सूरत ज़्यादा दिनों बरकरार नहीं रही। इन झूठे फ़नकारों को तेज़ नज़र रखने वालों ने आखिरकार पहचान ही लिया। बहरूपियों को खारिज करने के बाद जो कुछ बच रहा वो इन सच्चे फ़नकारों का कारवां था, जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की ज़ोर ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अदब को प्रोपगंडा बनाने से इनकार कर दिया, आला दर्जे का अदब तख्लीक किया और एक नई मंजिल की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। इनमें शायर भी थे, फिक्शन निगार भी, और वो नकाद भी जो अपनी तहरीरों से इनके रास्ते में उजारा कर रहे थे। जदीद शोरा, शोरा में मीरा जी, जदीद शोरा में मीरा जी, राशिद, अख्तरुल ईमान, मजीद अमजद, खलीलुर रहमान आज़मी, इब्न इंशा, अमीक हनफी, बाकर मेहदी, बलराज कोमल, कुमार पाशी, इफ्तखार जालिब, मोहम्मद अलवी, शहरयार और आदिल मंसूरी के नाम अहम हैं। इनके कलाम में एक ताजगी का एहसास होता है। इनके यहाँ ना तो क्लासिकी अंदाज की काफिया पैमाई है, ना महज इश्किया वारदात, ना इश्तराकियत का प्रचार, बल्कि इनकी शायरी इनके दिल से निकली हुई आवाज़ है। लहजा भी मुनफरिद है, इसलिए इनके कलाम में जज्ब कशिश ज़्यादा है। जदीद कहानी रिवायती कहानी से बहुत मुख्तलिफ है। जदीद और कदीम शायरी में जितना फ़र्क है, कदीम और जदीद कहानी का फ़र्क उससे कहीं ज़्यादा है। क़ारीन जब रिवायती कहानी से उकता गए तो इसमें तरह तरह की तब्दीलियाँ होने लगीं। इल्म नफ्सियात से आगाही आम हुई, शऊर के अलावा तहतुल शऊर और लाशऊर के नहाखानों का सुराग मिला। अब तक किरदार को इसके इकबालों व अफ़आल से पहचाना जाता था, अब इसके ज़हनी अमल पर तवज्जो मरकूज़ हुई। मगरिब के असर से शऊर की रौ से काम लिया गया। इसके इस्तेमाल ने माजी, हाल, मुस्तकबिल की दरमियानी सरहदों को तोड़ डाला। इस ज़माने में ये महसूस हुआ कि अफकार व एहसासात के इजहार के लिए लफ्ज़ों का ज़खीरा नाकाफ़ी है, चुनांचा अलामतों का इस्तेमाल आम हुआ और अलामती कहानियाँ लिखी जाने लगीं। इससे भी तसल्ली ना हुई तो तजरीदी कहानी वजूद में आई। इसे समझ पाना हर एक के बस का नहीं था। बहुत से लोग चिश्ता समझकर इससे बदजन हो गए। फ्रांसीसी अदब से वाकिफ फनकारों ने फ्रांसीसी कहानी की पैरवी करते हुए ना कहानी को उर्दू में रवाज
देने की कोशिश की। प्लॉट, किरदार निगारी, वहदत तासीर, मतलब ये कि रवायती अफसाने के तमाम अज्जाए तरकीबी को बालाए ताक रख दिया गया। इससे कहानी की कशिश जाती रही। आखिरकार ये सैलाब गुजर गया और आहिस्ता आहिस्ता कहानी को गोरख धंधे की भूल भुलैया से निकली और इसने धरती पर कदम जमा लिया। जदीद अफसाना निगार दो तरह के हैं, एक तो वो जिन्होंने फैशन के तौर पर जदीदियत को अपनाया और जदीद कहलाने के शौक में पेचीदा, गंजलक और बेसरोपा कहानियाँ लिखीं। ऐसे अफसाना निगारों ने कारीन को चौंकाया, मगर जल्द ही इनके चेहरों से नकाब हट गई और लोग इनसे मुतनफर हो गए। दूसरे वो फनकार थे जिन्होंने ज़रूरत के तहत और मौजू के तकाजे से मजबूर होकर नई तकनीक का सहारा लिया। इससे इबहाम ज़रूर पैदा हुआ, लेकिन संजीदा कारी ने मफहूम की तह को पहुंचना चाहा, कोशिश करके मायनों की तहों को खोला और इन कहानियों को सराहा। दोस्तों, इस मौजू से आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ आप लोगों के लिए। आप अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उर्दू अफसाने का रंग तो इसी वक्त बदलने लगा था जब प्रेमचंद ने कफन नाम का अफसाना तख्लीक किया। इस सिमत में दूसरा कदम मंटू का अफसाना फुंदने है। इसके बाद करतुलन हैदर, इंतज़ार हुसैन, अहमद हमीश, इकबाल मजीद, सुरेंद्र प्रकाश, खालदा असगर जैसे आला दर्जे के अफसाना नगारों की तख्लीकात वजूद में आई। नई तनकीद ने जदीदियत की तहरीक को परवान चढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा किया। जदीदियत की तहरीक के ज़ेर असर वजूद में आने वाला अदब किसी न किसी हद तक ज़रूर नाकाबिल फहम और तशरीह तलब था। इसलिए तनकीद के एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत थी जो हमदर्दी के साथ नई तख्लीकात पर गौर करें, इनके तह तक पहुँचने की कोशिश करें, इनके हुस्न व कबह पर रोशनी डालें और कारी के ज़हनी रफ़ीक़ का फरीज़ा अदा करें। प्रोफेसर आल अहमद सरवर ने यह फ़र्ज़ अदा किया। इनके अलावा प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, प्रोफेसर शमीम हनफी, प्रोफेसर वहाब अशरफी, बाकर मेहदी, वारिस अलवी, प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी ने जदीद अदब की तरफ बतौर ख़ास तवज्जह की। तो दोस्तों, ये तो थी जदीदियत की तहरीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम लोग ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।